हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई SSD आज अपने सामने है द ऑल न्यू 2023 रिनोल्ट काइगर RXZ लिमिटेड एडिशन। जब जब जहन में नाम आता है करोल बाग का, किस लिए जाना जाता है? ज़बरदस्त मॉडिफिकेशन के लिए जाना जाता है। उसी चीज़ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम करने के लिए कंपनियां खुद ही आगे आ रही हैं। जब भाई कोई भी कॉस्मेटिक चेंजेस करना होता है, कोई भी फीचर ऐड करने होते हैं कंपनी को, या तो उसको नेक्स्ट जनरेशन में ही लॉन्च कर देता है और या उसमें छोटे मोटे चेंजेस करके उसी वेरियंट को दोबारा लॉन्च कर देता है। उसी तरह से एक और वेरियंट जुड़ चुका है अपना काइगर का, जो कि लिमिटेड एडिशन नाम दे दिया है। बात करें इसकी कीमत की, प्राइस की, तो बात आती है एक्सोरूम कीमत की। बात करें 879,900 कुछ रुपए एक्सोरूम पड़ जाती है। ऑन रोड की बात करें सब कुछ मिला के छोटा मोटा 10,37,586 रुपए ऑन रोड पड़ जाती है। अब आपको इसी के भाव में मिल के दे साथ ही भाई सबसे पहले आपको मिल जा रहा है मारुति की न्यू जनरेशन ब्रेजा मिल जाती है, नेक्सोन आ जाती है, इस तरह से मिल जा रहे हैं आपको इसी के भाव में। गाड़ी की से स्टार्ट कर लेते हैं। की बात करें पीछे साइड रिनोल्ट का लोगो मिलता है क्रोम के साथ। रिमोट की ऑफर की जाती है, यहाँ पे देखते हैं चार बटन दिए हैं आपको। पहला अपना अनलॉक कर, देख रहे हो टक टक बोलती है, लॉक का दबाते हैं तब भी भाई घड़ी टक टक बोलती है अपनी। यहाँ पे अपना फॉलो मी हेडलैम्प और अपना वुड रिलीज का चौथा ऑप्शन मिल जाता है। इस तरह से आपको चार बटन दे रखे हैं, चारों वर्किंग है, कोई भी आपको फैशन डिजाइन के लिए नहीं दे रखे। ओवरऑल लुक वाइज देखते हैं ना, बड़े जबरदस्त लुक लगते हैं, भयंकर सी लगती है भाई। यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी की फ्रंट लुक से। यहाँ पे अपना बड़ा सा रिनोल्ट का लोगो मिलता है, कैमरा नहीं आता। यहाँ पे आपको ग्रिल को देखते हैं, मैट ब्लैक फिनिश के ऊपर आपको क्रोम का यूज मिलेगा। उसी के साथ साथ सबसे बड़ा जो कॉस्मेटिक चेंजेस है ना, देखो भाई रेड एडिशन की तरह ये ऐड कर दिया है, लिमिटेड एडिशन की पहचान कराता है आपको। यहाँ पे अपनी नंबर प्लेट की जगह है ऑल ब्लैक अपना रेडिएटर है। स्किड प्लेट भी आपको इवनली ब्लैक ही मिल जा रही है। बात करें गाड़ी के हेडलाइट की, यहाँ पे आपको LED DRLs मिल जाते हैं, अपने इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है ऊपर की साइड। जब बात आती है नीचे की, वही देखो कितनी भयंकर सी आंखें लग रही है ना इसकी, बिल्कुल तीन पॉइंट दे रखे हैं अपने प्योर विजन के साथ आते हैं अपने। यहाँ पे इस तरह से रेड आपको थिंकिंग मिलेगी, ये बड़े इतना जबरदस्त मतलब भयंकर बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं भाई। यहाँ पे आपको कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलता नीचे की साइड। इसी तरह से आपको पूरा ओवरऑल कुछ मिल जा रहा है। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें ना, वो जबरदस्त मिल जा रहा है भाई, 200 प्लस का मिल जाता है, 205 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है, ब्रेजा से भी ज़्यादा मिल जा रहा है आपको। बात करें गाड़ी की थोड़ी सी इंजन की, 999 cc का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ऑफर किया जाता है आपको, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 71 BHP 96 Nm का टॉर्क। लेंथ की बात करें तो ज़बरदस्त मिल जाती है 3991 mm। विड्थ की बात करते हैं तो 1750 mm गाड़ी की विड्थ मिल जाती है, जो चौड़ाई है। व्हील बेस की बात करें ना, वो भी खतरनाक मिल जाता है, कितना 2500 mm का। टॉप से देखते हैं आपको रूफ रेल्स मिल जाती है छत पे, इतने इन्हें भाई डुअल टोन वेरिएंट है ना, एक बार छत ही देख लो पूरी। यहाँ पे देखते हैं ब्लैक पूरी फिनिशिंग में मिल जा रहे हैं आपको, पियानो ब्लैक फिनिश में, इस तरह से है गाड़ी की छत। साथ ही हाइट की बात करें 1605 mm मिल जा रही है, बढ़िया मिल जाती है। डोर हैंडल को देखते हैं पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं। यहीं पे आपको क्रोम का यूज मिलेगा अपने दोनों ही विंडो पे, ए पिलर से लेके बी पिलर तक टोटल क्रोम का यूज मिलता है। और बीएम्स की बात करें, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में ऑफर किए जाते हैं, यहीं पे अपना क्रोम का यूज मिलेगा। 10 इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलती है, कोई भी आपको कैमरा वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पे फेंडर की बात करते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश के ऊपर RXZ की बेजिंग मिलती है आपको क्रोम के साथ। फुल बॉडी क्लाइडिंग मिलती है आपको, टायर के यहाँ पे चौड़ी क्लाइडिंग ऑफर की गई है। टायर प्रोफाइल की बात करें, डायमंड कट में आपको एलॉय व्हील ऑफर किए जाते हैं, यहाँ पे भी आपको वही अपना लिमिटेड एडिशन के आपको यहाँ पे पहचान कराता है। टायर प्रोफाइल की बात करते हैं, 195/60R 16 इंच के आपको एलॉय व्हील मिल जाते हैं, सुपर स्टाइलिश लगते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपको मिल जा रहा है। अब थोड़ी सी गाड़ी के रियल लुक की तरफ आ जाइए, अपना फिल फिलर कैप टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 40 लीटर की कैपेसिटी मिल जा रही है। ये है कुछ रियर के लुक। चौड़ाई की बात करें रोड प्रेजेंट की, बड़ी खतरनाक मिल जाती है, कितनी मिल जा रही है आपको, चौड़ाई मिल जाती है 1750 mm। ये है बैक प्रोफाइल के लुक। स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी के टॉप से। टॉप की बात करें, यहाँ पे अपना सार्फिन एंटीना मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में। एंड नीचे आते हैं तो यहाँ पे हाइट स्टॉप माउंट लैंप दिया गया है। इसी के साथ साथ ना स्पोर्टी करेक्टर वाला जो आपको स्पॉलर दिए गए ना, ये भी ज़बरदस्त लगते हैं, यहाँ पे पूरे स्पोर्ट की तरह मिल जाते हैं। यहाँ पे अपना वाईफाई डिफोगर सब कुछ आपको सारे ही फीचर मिल जाते हैं। रिनोल्ट का लोगो मिल जाता है, यहीं पे अपनी कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है। नीचे देखते हैं काइगर, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया अपना बोनेट के ऊपर, यहाँ पे रिनोल्ट की बैजिंग मिल जाती है। इस तरह से इस शेप में मिल जा रहे हैं आपको टेल लैंप, जो कि बेहद ही यूनिक लगते हैं। यहाँ पे LED का सेटअप है, इंडिकेटर मिल जाता है, रिवर्स लाइट मिल जाती है। इस तरह से
यहाँ पे आपको दिए गए हैं अपने रिफ्लेक्टर। आ जाते हैं गाड़ी के यहाँ पे, चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। स्किड प्लेट की बात करें सिल्वर मिल जाती है यहाँ पे, अपनी नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है। एंड जब जब बात आती है गाड़ी के बूट स्पेस की, साइगमेंट में सबसे ज्यादा मिल जाता है, 405 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं एडजस्टेबल पार्सल ट्रे मिल जाती है, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बूट स्पेस की बात करें इस तरह का आपको स्पेस मिल जाता है, कितना मिल जा रहा है 405 लीटर का। यहाँ पे दो दो सब फोर वूफर मिल जाते हैं, पांचवा टायर देखे कहाँ मिलता है, हाँ भाई उठा के ये मिल जा रहा है आपको। पर आपको देख रहे हो भाई रेड एडिशन के साथ मिलता है, स्टील में ऑफर किया जाता है पर आपको मिल तो जा रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरह की बैक प्रोफाइल मिल जाती है, सुपर स्टाइलिश लगती है। इंटीरियर की तरफ और बढ़ लेते हैं भाई, गाड़ी टीटी जो बोल रही है ना उसकी भाई मेरे पास की है, इसलिए आपको बता रही है गाड़ी के की गाड़ी के पास ही है, इसलिए भाई टैं हो रही है बोले जा रही है, एडजस्ट करना है। यहाँ पे अपने डोर हैंडल को देखते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जा रहे हैं। यहाँ पे अपने ऑरियंस के कंट्रोल मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल मिरर आते हैं अपने यहाँ पे, चारों पार विंडो और अपना चाइल्ड लॉक मिल जा रहा है। यहाँ पे बोटल स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जा रही है, इस तरह से है। अपने डोर ट्रिम पे देखते हैं तो कोई भी आपको वूफर की प्लेसमेंट नहीं मिलती, मिलती कहाँ पे है आगे देखेंगे। इस तरह का आपको स्टेयरिंग ऑफर किया जाता है जो कि बड़ा प्रीमियम लगता है। सीट की बात करें खटर पटर होगी पर एडजस्ट कर लेना, सबसे पहले हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, पिन्नी की ही खटर पटर है भाई, इसको हटाई लेते हैं थोड़ा सा। फैब्रिक सीट आपको ऑफर की जाती है, टेक्सचर आपको वही मिल जाता है रेड रेड। यहाँ पे हेडरेस्ट को देखते हैं, बिल्कुल एडजस्टेबल मिलते हैं अपने केबिन के, चल लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। एक्सटीरियर की बात करें ओवरऑल कुछ इस तरह के आपको एक्सटीरियर से लुक ऑफर किए जाते हैं, तो चल लेते हैं बैठ लेते हैं एक मिनट। बहुत बढ़िया, सबसे पहले बैठते ही मैं अपने अंदाज में बताता हूँ भाई थाई सपोर्ट कैसी मिल जाती है। सीट कंफर्ट की बात करें बढ़िया मिल जाती है, थाई सपोर्ट भी आपको बढ़िया मिल जाती है भाई। सीट और कर लेता हूँ अपनी, तब करते हैं बात। सीट मैंने कर ली है अपने अकॉर्डिंग, सबसे पहले करते हैं अपना गेट बंद। ऐसे देख रहे भाई क्या सॉलिड सी जो फील आती है ना यहाँ पे दिखती है, बिल्ड क्वालिटी तो आती है यहाँ से, जो फील है ना इसका डोर हैंडल का वो भाई एक अलग ही चीज है। आ जाते हैं इंटीरियर में, सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करें ओवरऑल कुछ इस तरह का आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे अपना रिनोल्ट का लोगो मिल जाता है, ये जो कंट्रोल मिलते हैं सारे कंट्रोल अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के मिलते हैं, जो कि इधर अपनी टच स्क्रीन आ जाती है, काफी अच्छी है भाई इसकी। अब आगे देखेंगे, इधर देखते हैं तो इधर जो कंट्रोल मिलते हैं ये अपने मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के। यहाँ पे आपको डीकट में स्टीयरिंग ऑफर किया गया है इस तरह से। एडजस्टमेंट की बात करें देखें, ये हो गया अपना ऊपर नीचे, टिल्ट ही मिलता है, कोई भी टेलीस्कोपिक नहीं आता है। यहाँ पे देखते हैं अपना एसी का प्रॉपर, एसी का वेंट्स मिल जाता है। यहाँ पे क्लीन एयर भी मेंशन किया गया है। एंड थोड़ी सी नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे अपने, ये आपको दिखा देता हूँ मैं एक मिनट, यहाँ पे लाइट के पॉइंट अपने एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग इस तरह से है, जब कोई भी कंपनी हो जब कॉस्मेटिक चेंजेस करती है, जैसे ये अपना लिमिटेड एडिशन है तो भाई जो भी छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं जो कंपनी उसमें ऐड करती है वही गाड़ी को एक नेक्स्ट अपील देते हैं और वही फीचर ऐड होते हैं जिसको कॉस्मेटिक चेंजेस बोला जाता है। आ जाते हैं गाड़ी के अपने सेंटर कंसोल में, सेंटर कंसोल की बात करें ये अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम है। यहाँ पे देखते हैं ना तो जो इसकी फिनिशिंग है वो बढ़िया मिल जाती है आपको, ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है। यहाँ पे देखते हैं एसी के दो दो वेंट दिए गए हैं अपने, नीचे देखते हैं तो अपना हेडलाइट का ऑप्शन मिल जाता है रेनॉल्ट की तरह। यहाँ पे पूरी गाड़ी यहाँ से अपनी लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो अपने टेम्परेचर एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि आपको इस तरह से सेक्शन में दिए गए हैं ऑटोमेटिक पूरे। यहाँ पे देखते हैं तो अपने चार्जिंग वगैरह यहाँ पे आप इजीली अपना फोन वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना यूएसबी का सपोर्ट, यहाँ पे आता है अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन अपना काइगर के अंदर। यहाँ पे अपना देखते हैं, हाँ वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है आपको, ये ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ अपना फोन रखो भाई बहुत मस्त चार्ज होगा। यहाँ पे गाड़ी के अंदर पांच गियर हैं फिलहाल में, जो मैनुअल है अपना वेरियंट है। यहाँ पे अपनी स्पोर्ट जो कि इसमें पूरे आपको सिटी मोड, कितने मोड मिल जाते हैं, हाँ नॉर्मल इको स्पोर्ट, तीन चार मोड मिल जाते हैं भाई यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। प्रीमियम की जो बात है ना, ये जो पूरा अपना सेंटर है ना इसको देखो यार एक बार, ये जो पूरा एरिया मिल जाता है बिल्कुल ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आता है जो कि प्रीमियम लगता है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है लेदर में, पूरा आर्मरेस्ट है, खोल के देखते हैं इसको। हाँ तो यहाँ पे आपको काफी सारा स्पेस मिल जाता है, ये चीज देखो यार क्या प्रीमियम लगती है बिल्कुल। यहाँ पे अपना पूरा स्पेस दिया है भाई, पूरी गुफा सी है भाई यहाँ पे। यहाँ पे अपना है ये हैंड ब्रेक जो कि अपना क्रोम के साथ है। डैशबोर्ड एरिया की बात करें लिमिटेड एडिशन की पहचान कराता है, यहाँ पे देखते हैं तो आपको रेड एडिशन मिल जाता है। इसी के साथ साथ ये अपना ग्लव बॉक्स है, इसको करते हैं ओपन, हो जा हाँ अब हो भाई। ये अपना ग्लव बॉक्स इस तरह से आता है टाइगर के अंदर, नीचे भी आपको ग्लव बॉक्स दे दिया है भाई। डैशबोर्ड एरिया में आपको दो दो जगह स्पेस मिलता है। बात करें ड्राइवर साइड की तो कोई भी आपको अपना मिरर नहीं मिलता, यहाँ पे हेलोजन लैंप जरूर मिल जा रहा है आपको यहाँ पे। अभी इसको स्टार्ट करके देखें क्या,
एक मिनट इसको करता हूँ मैं प्रेस। हाँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ आपको देखो कितनी बड़ी MID ऑफर की, पूरी डिस्प्ले बड़ी सी आपको डिस्प्ले ऑफर की जाती है। यहाँ पे देखते हैं तो 220 की मैक्सिमम स्पीड मिल जाती है। इधर अपना RPM वगैरह सब दिखाएगा, यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ पूरी जो फिनिशिंग है वो जबरदस्त है। इधर अपने वाईफाई कंट्रोल है, इधर अपने लाइट के कंट्रोल है। ये बात होगी, हाँ देखो इसकी बात चल रही थी तो हैलोजन में लैंप अपना। उसी के साथ साथ IRPM की बात करें तो आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा आपका। इधर देखें, हाँ भाई मिरर मिल जा रहा है आपको, एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, इधर भी एयरबैग है, इधर भी एयरबैग है, तो सेफ्टी भी पूरी मिल जाती है। अब गाड़ी के ना ओवरऑल इंटीरियर हो चुका है, चल लेते हैं गाड़ी के रियर साइड में। रियर साइड में और दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट इसको करते हैं यहाँ से ओपन। साथ ही रियर साइड की बात करें तो स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है बूट स्पेस के साथ साथ। यहाँ से आपको ओपन करना पड़ेगा, जैसे आप ओपन करते हैं ना इस तरह का आपको पीछे भी ऑफर किया जाता है, पूरा आपको ब्लैक टेक्सचर में मिल जाता है, पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है ऐसे सराउंडिंग में। यहाँ पे अपना पावर विंडो मिल जा रहा है, यहाँ पे अपनी स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, यहाँ पे अपना बोतल स्पेस मिल जाता है। बात करें रियर साइड की तो देख रहे हो ये तो अपने एडजस्टेबल मिल जा रहे हैं, आगे के पीछे के भी आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। टोटल आपको 4 एयरबैग ऑफर किए जाते हैं, देख रहे हो भाई सिस्टम बना रखा है पूरा। यहाँ पे अपना आर्मरेस्ट भी मिल जाता है 2 कप होल्डर के साथ, उसी के साथ साथ आगे भी स्पेस दिया गया अपना। यहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह अपने कॉइन वगैरह भी डाल सकते हैं। इसकी जो कुशनिंग है ना वो ज़बरदस्त मिल जाती है, पोजीशन भी बढ़े, थाई सपोर्ट ना पे अपने अंदाज में, हाँ भाई बढ़िया मिल जा रहा है, देख रहे हो कितना गैप मिल जा रहा है, तो भाई थाई सपोर्ट जबरदस्त मिल जाती है। बात करते हैं ना स्पेस की, थाई सपोर्ट मैंने बताई दी आपको, फिर से बता देता हूँ यहाँ से स्पेस देखो ना कितना ही जबरदस्त मिल जा रहा है, जबकि मैंने अपना जो ड्राइवर साइड है पीछे एडजस्ट कर रखा अपने अकॉर्डिंग। इस तरह से सेंटर की बात करते हैं, AC के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहीं से आप इसको बिलो भी दिया गया, यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से गाड़ी का केबिन मिल जा रहा है, ये आपको पीछे भी आपको हैलोजन लैंप मिल जा रहा है भाई। गाड़ी में ओवरऑल जो चांदनी पौंदनी जो भी है ना भाई ज़बरदस्त आपको चमकेगा। इस तरह से है इंटीरियर, ग्रैब हैंडल देखो कितना सॉलिड मिल जाता है, फिक्स ही मिलता है अपना, एडजस्टेबल नहीं, ये सब मैंने बता रखा। पीछे भी आपको ट्यूटर मिल जा रहा है आपको यहाँ पे। बात करें अब थोड़ी सी गाड़ी की सेफ्टी के ऊपर, सेफ्टी की बात करते हैं तो अच्छी खासी सेफ्टी ऑफर की जाती है। सबसे पहले गाड़ी में आपको टोटल 4 एयरबैग ऑफर किए जाते हैं, ABS, EBD, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट जैसे सारे ही फीचर आपको ऑफर किए जाते हैं, सीट बेल्ट वार्निंग लाइट, इंजन लाइट, वार्निंग लाइट, सब कुछ आपको ऑफर किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।